बिफोर वी रीच अबाउट इट फ्रॉम योर बुक लेट मी टेल यू व्हाट एक्चुअली इट मीन्स. पैडेट्स का मीनिंग आप सबको आता है बेटे, आपको बेसिक टर्म्स में करवाया होता है. दिस इज व्हाट इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम आवर डेटर्स. ये वो पैसा है जो हमारे डेटर्स अब हमें नहीं दे रहे. लॉस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है. अगर हम इसके जर्नल एंट्री की बात करें और इफ इट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट एंड हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड, लेट्स सी. पहले तो दो जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ट्रायल बैलेंस, तो क्या करना है टीबी दैट इज ट्रायल बैलेंस. इफ इट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट तो इसका क्या करना है. If it is given within the trial balance, so आपने इसको simply debit side of P&L दिखाना, because it is our loss, right? So being a loss, it is to be shown on the debit side of our P&L account, right? अगर ये adjustment की तरफ है, तो आपने एक तो इसे debit side of P&L तो दिखाना, या नीचे लिखा होगा write off 500 as bad debt, और write 10% of the debtors as bad debt. ऐसे उसने लिखा होगा. तो debtors का 10% आप calculate करोगे, उतनी amount हम bad debt मानेंगे. ठीक? तो अब entry क्या करेंगे? Before I write this, पहले entry देखना जरा. ये भी आपको करवाई होती है journal के chapter में. Bad debts account debited to debtors. क्योंकि entry में debtors क्या हुए हैं credit, it means किसके कारण debtors कम होंगे. और क्योंकि बैड डेट्स डेबिट हुआ है, तो यू नो दैट बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स. तो हेंस दिस इज डिक्लेयर्ड और इट इज क्लियर नाउ दैट जब भी बैड डेट्स हुए तो एक तरह का लॉस हुआ हमारा. उस लॉस को हमने पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करके खत्म करना है. क्योंकि इसके कारण डेटर्स कम हो रहे हैं, इसलिए आपने बैलेंस शीट में डेटर्स को भी रिड्यूस कर देना है. ठीक है? सो एक तो आएगा ये डेबिट साइड ऑफ P&L account, ये इसकी number one adjustment है. दूसरा deducted और subtracted it from debtors in balance sheet में इसे debtors में से क्या कर दो, minus कर दो. deducted from debtors in the balance sheet, this is its second adjustment, right? So this thing you have to keep in mind, that is bad debts, very very important adjustment. In most of the questions you will find it. ठीक, तो जो आपको ट्रायल बैलेंस में अगर दे रखा है तो उसे हम ओल्ड बैड डेट कहा करेंगे. ठीक है, टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ आपको. कई बार क्या होता है, बैड डेट्स विद इन द ट्रायल बैलेंस भी है, नीचे भी है, तो वी विल बी डिस्टिंग्विशिंग देम बाय यूजिंग अ वर्ड ओल्ड बैड डेट एंड वट एवर द बैड डेट ही इज गिविंग इन योर एडजस्टमेंट दैट यू विल बी कॉलिंग न्यू बैड. लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक, क्योंकि इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अपनी बुक में से देखो how he has explained bad debts. I think it is at 13th or 14th adjustment. Yes, it's on page 14th. It's on page number 17.34. I'm at page number 17.34. So we have illustration number 19 that I am going to solve for you. देखो जी, the following balances have been taken from the trial balance. What you see, trial balance में कहता दो items हम लोगों ने देखी, one is sundry debtors, another is bad debt. It means कि bad debt is appearing within the trial balance. ये जो दोनों figures उसने दे रखी है question में, दोनों ही trial balance के अंदर की items है. नीचे क्या कहता है, अब मैंने बोला था ना दो तरह के bad debts हो सकते हैं. हो सकता है it is given within the trial balance as well as he is giving it as an adjustment. तो पुराने बैड डेट्स आपके 600 थे, कहता नए बैड डेट्स कितने लिखना, 1000. जो नए वाले बैड डेट्स हैं वो आपके पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे भी आएंगे और डेटर्स में से भी क्या होंगे, माइनस होंगे. जो पुराने वाले बैड डेट्स हैं विच आर अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस दैट आर 600 इन दिस क्वेश्चन दैट यू विल जस्ट बी राइटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. लेट्स सी हम लोगों से पूछा क्या है, हाउ टू शो इट. जर्नल एंट्री पूछी है, यस जर्नल एंट्री वी कैन राइट. ये देखो जर्नल एंट्री मैंने लिखी हुई, bad debts account debited to debtors, और journal entry सिर्फ adjustment वाले की होनी है, that is 1000. ठीक, now I will be telling you how these are to be shown. मैं P&L account का छोटा सा format बनाऊंगी, मैं balance sheet का भी छोटा सा format बनाऊंगी और सिर्फ asset side का बनाऊंगी. ठीक है, how these are to be shown. Debtors are 12,500. So I am preparing
दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ही बना रही हूँ, मेरे को वही चाहिए. टू बैड डेट विच आर अपेयरिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस, दैट इज ओल्ड, ठीक है. और न्यू बैड डेट्स कितने हैं, मैंने टू बैड डेट्स एक बार ही लिखा, बीडी मीन्स बैड डेट्स, दैट इज 1000. इट मीन्स कि कुल मिला के आपके बैड डेट 1600 है, जिसमें 600 पुराने हैं और 1000 इस साल के हैं. आपकी बुक में भी उसने ऐसे ही किया. उसके बाद आई एम प्रिपेयरिंग हियर बैलेंस शीट, इट्स नॉट द फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इट, अ पार्ट ऑफ इट. सो डेटर्स ही इज गिविंग, डेटर्स आर माई एसेट, 12500 लेस. कौन से बैड डेट इसमें से माइनस करने हैं, न्यू जिसकी आपने एंट्री करी. ये जो 600 है इसकी एंट्री पहले से हो चुकी होगी, ठीक है. ये तो बैलेंसिंग फिगर आई होगी, पिछले साल आपने क्या बनाया होगा, बैड डेट्स का लेजर अकाउंट, उसका जो बैलेंस आया होगा वही ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है. सो दिस इज व्हाट 1000 वी विल बी डिडक्टिंग. इफ समबडी आस्क्स फ्रॉम यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स इन योर बिजनेस, देन योर आंसर विल बी 11,500. सो दिस इज अ सिंपल ट्रीटमेंट. So for the first time, I think there is an item which is appearing in the trial balance as well as which is given as an adjustment. Means bad debt एक ऐसी item है जो आपको trial balance में भी देखने को मिल सकती है और उससे related adjustment भी हो सकती है. You will just be distinguishing them by calling them old and new. जो trial balance में bad debts है means वो पिछले साल के चल रहे हैं, ठीक है, पिछले साल का balance चल रहा है. We will be calling it old. और जो इस साल के हैं वो आपको एडजस्टमेंट की फॉर्म में देगा, विच वी विल बी कॉलिंग न्यू, राइट. आगे चलते हैं, यस, अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, विच वी कॉल प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट. दोनों एडजस्टमेंट सीक्वेंस में चलती हैं. अगर क्वेश्चन में बैड डेट है तो हो सकता है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं. पहले मैं थोड़ा सा बात आपको क्लैरिफाई करती हूँ. Why do we create the provision for bad debt? By following the principle of conservatism or by following the going concern concept, if you really are forcing your business for a very, very longer period of time and you are doubtful कि इतना पैसा मेरे मरने के chances हैं, तो आप पहले से ही अपने आप को उसके लिए तैयार करके रखते हो. Sorry. When you prepare yourself to face that loss, for that purpose you prepare provision for doubtful debt, right? Either he will be calling it in the question provision for bad debts, interchangeably word hoga, meaning dono ka same hi hai, or he may call it provision for doubtful debt. Aam taur pe ye percentage ki form mein diya hoga, like create 5% provision for bad debts, create 10% provision for doubtful debt, dono same hi hai, theek hai, or we will be calling it provision for doubtful debt. Done. Ab hum logo ne ise treat kaise karna hai, ye bhi ek aisi adjustment hai jo balance sheet mein bhi, oh sorry, trial balance mein bhi given ho sakti hai. If it is given within the trial balance, use old bolenge. अगर ये ट्रायल बैलेंस में है और इसे हम ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे, मींस पिछले साल का इसका बैलेंस चल रहा है. व्हाई दिस प्रोविजन इज बीइंग कैलकुलेटेड और क्रिएटेड, इन ऑर्डर टू कवर द लॉस रिलेटेड टू बैड डेट्स. हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इतने हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, उसको फेस करने के लिए हम पहले से एडवांस में ये प्रोविजन बना के रखते हैं. मींस दिस प्रोविजन वी आर गोइंग टू यूज टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एज एंड व्हेन दे अराइजेस, राइट. So, जो within the trial balance है, that is to be written again, bad debts की तरह ही, debit side of deducted होगा. इसे deduct करेंगे from new provision on the debit side of P&L. तो छोटी सी example देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पुराना प्रोविजन है 500, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के बीच में ही दिया है, ठीक, और नया प्रोविजन आपका कैलकुलेट करके आया कि हमने 1700 बनाना. 500 पहला पड़ा है, इस साल आप चाहते हैं कि 1700 हम प्रोविजन बनाएं, तो पुराना जो है इसमें से माइनस कर दो, वो तो ऑलरेडी आपके पास है. इट मीन्स कि आपको नया कितने की बनाने की जरूरत है, 1200. सो वट एवर इज देयर विद यू अंडर द सेम हेड, that you will be using this year,
अगर आपको इस बार 1700 बनाने की जरूरत है, 500 ऑलरेडी अगर आपका पड़ा है पिछले साल का जो ट्रायल बैलेंस में अपेयर कर रहा है, तो उसने उसको आपने न्यू में से माइनस कर देना है। अगर न्यू में से माइनस नहीं करना तो आप पुराने को पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दोगे तो भी सेम ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अपेयरिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस एंड इट्स ऑल्सो बीइंग गिवन एज एन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में भी है और ट्रायल बैलेंस में अपेयर भी कर रहा है, तो आप लोगों ने पुराने को नए में से माइनस करना है या इसे पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो। नाउ अगर ये एडजस्टमेंट है तो क्या करना है, तब दो जगह आना है, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से भी माइनस होगा, जैसे बैड डेट्स माइनस किया था सेम ट्रीटमेंट है, और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है और उसे न्यू बोलेंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल, और ये तो एक एडजस्टमेंट हुई, देन सेकेंड एडजस्टमेंट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स, पहले बैड डेट्स माइनस होंगे, ये सीक्वेंस में चलनी है एडजस्टमेंट, फर्स्टली यू विल बी डिडक्टिंग बैड डेट्स आउट ऑफ डेटर्स जो माइनस करके आया, अब जो नेट डेटर्स बचे उसमें से आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या करना है, माइनस, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। Now the question arises, what entry we pass? उसने starting यहीं से की आपकी explanation by following the principle of prudence. मैंने भी आपको यही बताया that the conservatism principle always says provide for losses or known liabilities, जिनके बारे में आपको पहले से ही पता है, आप अंदाजा लगा रहे हैं या estimate लगा रहे हैं कि इतने पैसे मेरे मरने के chances हैं, तो आप पहले से ही उसको face करने के लिए provision बना के रखते हैं, और that provision we call, और हमारा पुराना record कहता है कितने परसेंट बैड डेट्स हो ही जाते हैं हर साल, सो सेम परसेंटेज ऑफ प्रोविजन यू विल बी प्रिपेयरिंग दिस ईयर आल्सो, सो दिस प्रोविजन वी विल बी यूटिलाइजिंग व्हेनेवर द बैड डेट अराइजेस, जब कभी भी बैड डेट्स होंगे हम इस प्रोविजन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यू नो हाउ दिस प्रोविजन इज बीइंग क्रिएटेड, व्हाट जर्नल एंट्री वी पास, लेट्स सी। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट में से बनेगा भाई, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड to provision for bad debt or doubtful debt, ठीक है, और जिस साल bad debts हो गए आपने इसे use करना है, यहाँ पे तो ये तो बना है ना, आपको provision and reserve का अलग से chapter करवाया हुआ है, provisions and reserves are always being credited whenever these are created, मैंने इसे use करना है, use करने के लिए मैं इसे क्या करूँगी, debit, provision for bad debts account debited to bad debts, तो जो bad debts हुए हैं वो आपने इसके अगेंस्ट क्या कर देने हैं, राइट ऑफ कर देने हैं। मान लो आपने प्रोविजन बनाया 1500 का और बैड डेट सिर्फ 700 के हुए, तो 700 का प्रोविजन यूज हो जाएगा, 800 का अभी भी उसका बैलेंस चलता रहेगा, बिकॉज यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग कि इतने पैसे मर जाएंगे, आपने एस्टिमेट लगाया कि 1500 तक बैड डेट हो सकता है, बट एक्चुअल बैड डेट सिर्फ 700 के हुए, सो यू विल स्टिल इन हैंड 800, ठीक है, बिकॉज एस्टिमेट जरूरी नहीं है कि हमेशा 100% करेक्ट साबित हो, सो अबाउट दिस यू हैव टू keep this thing in your mind. 20th illustration karte, see 20th illustration, dekho dono jagah de rakhe hai na provision, nahi bad debt hai niche provision, to koi baat nahi, question aasan hai hamara kyunki provision within the trial balance nahi de rakha, this is 20th illustration. see 20th illustration. What he says, the following balances have been taken from the books of Mohan Lal as on 31st March 2019. We have sundry debtors, so I will be preparing a small format of, this is my P&L account. And here I will be going with balance sheet, or ye balance sheet ki asset side hai. This is balance sheet. First item he is giving me in the question that are debtors. डेटर्स कितने के दिए हैं इसने, 50,000, डेटर्स बीइंग एन एसेट है ना, ये बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैंने डेटर्स लिख दिया, और इंटेंशनली मैंने इसे इंटरनल कॉलम में लिखा, बिकॉज आई नो डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो सकती है, सबसे पहले इसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस करने, न्यू मीन्स जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, अब क्वेश्चन ऐसा बनाया उसने कि न्यू बैड डेट्स दिए ही नहीं है,
ठीक है, तो ओल्ड बैड डेट्स डेटर्स में से मत माइनस करने बैठना, ओल्ड ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ठीक। तो उसने एक बैड डेट्स दे रखे हैं, वो ओल्ड बैड डेट्स है, पी एंड एल अकाउंट में आएंगे 4000। फिर वो क्या कहता है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। 50,000 का 5% मैंने कैलकुलेट किया 2500 वाला, ये आया आपका प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इट मीन्स कि हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि आने वाले टाइम में 2500 रुपए तक हमारा पैसा मर जाएगा, जिसके लिए अपने आप को सेव करने के लिए हम पहले से प्रोविजन बना रहे हैं। सो दिस प्रोविजन वी आर क्रिएटिंग, and after creating or deducting this provision, we have net debtors with us, that is 47,500. क्योंकि ये adjustment students ये दो जगह आनी है, मैंने आपको सिखाया है, एक P&L account की debit side में with new word, ठीक है। आप क्योंकि question में old नहीं है, तो यही चाहे new इसके साथ नहीं लिखो या और make a habit, whatever is being given as an adjustment, उसे new का ही नाम दो, ठीक। मैंने बोला ये दो जगह आना है, एक debtors में से minus करना था, मैंने कर दिया, दूसरा मैंने P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दैट इज 25। सो लाइक दैट वे यू विल बी पुटिंग इट्स ट्रीटमेंट डन। दिस वाज द वे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर अकाउंट छोड़ दो, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन आना है, 40 मार्क्स का ही तो पेपर है, अलग से इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। 21st इलस्ट्रेशन भी छोड़ दो, दैट विल कंफ्यूज यू, लीव इट, क्रॉस करते जो बाद में मेरे से कोई नहीं पूछेगा मैम ये करना है कि नहीं करना। 22nd इलस्ट्रेशन भी छोड़ दो, सिंपल आपको सिर्फ ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे क्रिएट करना है। यस, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट व्हिच ही कॉल्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दिस इज 16th एडजस्टमेंट वी हैव अराइव्ड एट, बस एक ही रह गई। अभी तक हमने क्या, आज कहां से स्टार्ट किया था, बैड डेट्स, देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग द एडजस्टमेंट which we call provision for discount on debtors. What it means? Sometimes what happened, few of my debtors, they may make the payment before the allotted time to them. Like kuch debtors ko maine 2 mahine ka time period diya tha, usne 15 din ke baad hi mere ko payment kar di. In that case, we will be giving them certain discount. जैसे किया था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट, टाइम से पहले जब वो पेमेंट कर देते थे तो हम उन्हें कुछ पैसा छोड़ देते थे, जिसे रिबेट कहा करते थे। सेम इज द केस हियर, अगर कोई भी डेटर मेरे को टाइम से पहले पेमेंट कर देता है तो हम उसे डिस्काउंट देंगे। अब उसे डिस्काउंट देने के लिए मेरे को पहले से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ लॉस फॉर द कंसर्न, ठीक। तो अगर तो ये ट्रायल बैलेंस के बीच में दे रखा है तो आपने इसे न्यू में से माइनस करना है, अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो आपने नया प्रोविजन क्रिएट करना है, और प्रोविजन का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट वी आर अलाउइंग टू आर कस्टमर्स हु आर मेकिंग द पेमेंट टू अस अर्लियर देन द अलॉटेड टाइम पीरियड, अलॉटेड टाइम पीरियड से पहले वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। If it is given within the trial balance, in trial balance, then deduct it from, जैसे पुराना provision for bad debt minus किया था नए में से, then deduct it from new, or write it on the credit side of P&L, deduct it from new provision, और अगर adjustment की form में दे रखा है तो इसे भी P&L account की debit side में लिखना है, और डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। इट मीन्स कि डेटर्स में से तीन चीजें माइनस होनी है और तीनों सीक्वेंस में चलनी है, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन योर बैलेंस शीट। मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ, डेटर्स में से सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस होंगे। डेटर्स फॉर एग्जाम्पल 1 लाख दे रखे हैं आपको, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट्स है, and that are new bad debts, for example that is 5000, so net bacha 95000। और उसके बाद हमने कौन सा provision create करना है, less provision for bad debt, for example that is saying 10%, 95000 का 10%, I am computing it।
Yes, what I was telling you that all the three adjustments will run into sequence. मान लो पहली adjustment दी है और दूसरी नहीं दी तो दूसरी you can skip. मान लो पहली नहीं दी तो this you will skip और second और third आप करोगे. लेकिन अगर तीनों sequence में दी हैं sequence ही follow करना. पहले bad debts minus होने हैं. Bad debts minus करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर provision for bad debt आपने minus करना है. For example, he's saying कि 10% create करो, so 95,000 में से 9500 I am deducting. 005 14585 ठीक है. और उसके बाद वो कहता है इसमें भी मेरे को पॉसिबिलिटी है कि 5% लोग मेरे को टाइम से पहले पेमेंट कर देंगे जिसके कारण मेरे को उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा. ठीक है. और अगले प्रोविजन का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. इसका 5% कैलकुलेट कर लीजिए. जितना भी आएगा दैट यू विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम इट. सो यू विल ऑलवेज बी रनिंग दीज थ्री एडजस्टमेंट्स इन सीक्वेंस. आई एम रिपीटिंग. Firstly, the bad debts are deducted. Secondly, provision for doubtful debt, जो bad debts minus करके आया उसके ऊपर लगना है. ठीक है. अब bad debts भी minus हो गए, provision for doubtful debt भी minus हो गया. दोनों को minus करके जो amount बची है उसके ऊपर अब मेरे को possibility है जो time से पहले payment कर देंगे. जो लोग time से पहले payment कर देंगे मेरे को उन्हें कुछ incentive देना पड़ेगा in the form of discount. जिसके लिए I need to frame provision for discount on debtors, right? So that's why we will be deducting provision for discount on debtors. After the deduction of provision for doubtful debt or usse bhi pehle only bad debts. And which bad debts? I must clarify it here, that is new bad debts. Theek hai, yahan tak teenon adjustments ke bare mein, if you are having any doubt, you are free to ask. Yes, anyone?